का जरा पहला ही डील आ गई है और हम खाने का ये इसके खाने के बाद फिर आपको लड़के खा लेते हैं। बस ये गर्मी है बाबा, बस जब 10 बजे घर से निकलो लाइट हाउस के लिए ना। अच्छा, जुम्मा नमाज की तैयारी कर ली और जुम्मा नमाज भी पढ़ रहे हैं। क्या वजह है इस चीज़ की जो हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं, वक्त से ज़्यादा आगे निकलो। कैसे हैं, सब ठीक ठाक हैं? मैं हो गया था बाबा का टाइम है, जुम्मे का दिन है और जुम्मा को मुबारक से पहले मैं उठ तो सबसे पहले तैयारी करता हूँ, तैयारी करके फिर मैं आप लोगों को मिलता हूँ। मैंने कहा उससे पहले कि मैं आज क्या पहनूँगा, आज एक ये शर्ट पहनूँगा और एक पैंट कौन सी पहनूँ। पैंट हम पहन लेते हैं ब्लू कलर की, शर्ट पहन लेते हैं। या तो उठ गया हूँ मैं, अभी उठाऊँ पानी की बाल्टी ले ली है, पानी लेता हूँ, मीठा पानी लेके फिर नहाता हूँ, जुम्मे की तैयारी करता हूँ। तैयारी करने के बाद फिर मैं वर्दी जब चेंज कर लूँगा फिर मैं आप लोगों से मिलता हूँ। पानी दो यार बाबा जी, ये पानी देंगे मुझे, पानी भर के फिर मैं देखो आता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मैं फाइनली मैं नहा लूँ के फ्रेश हो गया हूँ और अभी निकलने लगा था फ्लैट से निकलने लगा था। मैं मतलब कि नहा लूँ के अभी नहाया हूँ, फ्रेश हुआ, जुम्मे का दिन है और आप लोगों को जुम्मतुल मुबारक हो। आज जुम्मे का दिन है और मौसम भी चेक करें, बाहर का मौसम कितना प्यारा हो, मौसम चेक कर लें कितना हसीन है आज कराची का। कराची से पहले पिछले दिनों से 5 दिनों से बारिश बहुत तेज़ हो रही थी लेकिन अब तक काफ़ी मतलब कि बारिश वगैरह रुक गई है और मौसम अच्छा बना हुआ है, प्यारा है, ठंडा मौसम है। और मैं फाइनली नहा लूँ के फ्रेश हो गया था। आप लोग समझ रहे होंगे कि पानी की बाल्टी क्यों उठा के फिर रहा था। भाई पानी की बाल्टी इसलिए उठा के फिर रहा था, यहाँ पे ऐसा होता है कि पानी की बाल्टी जो यहाँ पे आप लोगों को पता है कराची में खारा पानी ज़्यादा होता है और मीठा पानी बहुत कम होता है और मीठा पानी मिलता भी हमें मूल है मतलब कि पैसों से मिलता है, तो इसलिए वो मैं उठा था। तो इसलिए फ्लैट से पानी का पानी वगैरह मीठा वगैरह लेने के लिए आया था नहाने के लिए, तो बाल्टी वो मेरे हाथ में इसलिए थी तो मैं क्योंकि मैंने नहाना था तो इस वजह थी। और लोग आप सुनाएं, सब ठीक ठाक हैं, खैरियत हैं, मज़े हैं? मुझे आज 2 से 3 दिन बाद मुझे व्लॉग बनाने का टाइम मिला क्योंकि आज जुम्मे का दिन था और लेट शॉप खुलेगी, तो इस वजह से मैंने क्या थोड़ा सा व्लॉग बना लूं और आप लोगों को अपने व्यूज़रों को याद भी कर लूं। और आप लोग सुनाएं कैसे हैं, ज़िंदगी में कैसे गुजर रही है आपकी? अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र अदा किया करें कि अल्लाह पाक ने हमें जैसे ही रखा हो अपनी जगह पर रखा हुआ है, और अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र अदा ये है कि हम जो भी हैं अपनी जगह पे हैं और अल्लाह पाक ने हमें इंसानियों में और मुस्लिम में पैदा किया है, तो इस चीज़ का भी बड़ा शुक्र अदा किया करें। अल्लाह पाक बड़ा खुश होता है इस चीज़ पे कि मेरा इंसान शुक्र अदा करता है दुनिया में जाने के बाद भी। गुरबत है, कुछ भी है, अमीर है, गरीब है, लेकिन शुक्र अदा अल्लाह पाक का ज़रूर करें कि अल्लाह पाक ज़रूर देते हैं हर वो उस इंसान को, शख्स। हाँ भाई, जुम्मा नमाज की तैयारी कर लिया आपने? ये भाई हैं, ये हमारे यहाँ पे टाइम क्या हो रहा है, तकरीबन 12:30 का, ये 20 मिनट का मैच हो रहा है, 20 एक हो रहे हैं। अच्छा, जुम्मा नमाज कितनी होती है? 1:15 में, 1:15 भी होता है। चलें जुम्मा नमाज भी पढ़ते हैं फिर, इंशाल्लाह मिलता हूँ फिर मस्जिद में आपको। और मैं क्या बात कर रहा था आप लोगों से, शुक्र अदा ये क्या करें कि अपनी गुरबत पे, अपने आप पे, अपने से खुश रहा करें। आप इंसान बहुत अच्छे हैं, आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन अपने आप को पहचाने कि हम कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं इस वक्त, क्यों ऐसे पीछे नहीं छोड़ो। अगर वक्त आगे निकल गया तो बहुत ज़्यादा तो आप लोगों का खुद का नुकसान है, अपने आप का और अपने माँ बाप का इज्जत और उनका एहतराम किया करें, माँ बाप की दुआएं लिया करें। मैं आप लोगों को यही इसलिए मकसद यही होता है वीडियो बनाने का, चंद अल्फाज होते हैं जो मेरे आप लोगों को दिलों में उतर जाएं, वो अल्फाज यही होते हैं कि अपनी माँ बाप की इज्जत किया करें, माँ बाप जो भी कहें कहना माना करें। बिल्कुल ऐसा होता है कि बचपन में माँ बाप आप लोगों को अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल आप कुछ भी हरकतें करते हैं, कुछ भी गलतियाँ करते हैं तो आप लोगों को माँ बाप अच्छा नहीं लगता। मैं समझता हूँ इस चीज़ को, बच्चे हो लेकिन वीडियो देखते हो, लेकिन इस चीज़ का जब इस इंसान उम्र में आ जाता है 18-20 की उम्र में जब आता है तो इंसान ये चीज़ें सब उस टाइम सोचता है कि हमारे माँ बाप हमारे लिए क्या हैं और हमारे लिए
दोस्त यार हमारे लिए कैसे हैं और वो क्या है हमारे लिए। तो भाई आज के दौर में कोई किसी के काम नहीं आता, याद रखना इसे, सिर्फ माँ बाप के अलावा कोई और कोई भी किसी के काम नहीं आता, ये चीज़ मेरी याद रखना। चल अल्फाज ये होते हैं, चले मैं मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, मिलूँगा इंशाल्लाह आपको। अगर हमारे यूट्यूब चैनल पे न्यू है तो सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर कर लें, ताकि हमारी हर न्यू वीडियो आने वाली आप तक पहुँच सके। तो अभी तो फिलहाल मैं वीडियो को ऑफ करता हूँ क्योंकि जुम्मा नमाज पढ़ के फिर मैं थोड़ा सा शॉप तक के बनाता हूँ, फिर इसको व्लॉग को थोड़ा सा बड़ा भी करता हूँ, और क्योंकि आज काफ़ी दिनों बाद हमने व्लॉग बनाया है तो इसका मकसद तो यही है, व्लॉग थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए और अल्फाज भी कुछ आएंगे अच्छे आएंगे। और इंशाल्लाह मैं करता हूँ अभी वीडियो को यहीं पर ड्रॉप, तो मिलता हूँ जुम्मा नमाज के बाद, अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम, हम फाइनली हम पहुंच गए हैं डोलविन मॉल में, शॉप की तरफ आ गए हैं। मैंने इस बंदे को, इस अंकल को मैंने पिकअप करना था घर से, पिकअप भी कर लिया है और मैं मॉल की तरफ भी आ गया हूं। आप देख सकते हैं मॉल भी इधर माहौल है, गर्म मॉल। अंकल आज का दिन कैसे है, आज के दिन का बताओ जरा। गर्मी है, गर्मी थी सुबह, गर्मी थी मतलब धूप, मतलब दो तीन पिछले तीन चार दिनों से कभी कैसे गर्म हो गया, हफ्स हो गई है। अब मुझे लगता है कि आसपास करें कराची के आसपास की बारिश हो रही है, बंद हुई थी बाहर होता बस, खास नहीं बारिश हो इसमें तपश निकले ज़मीन की तब जाके कुछ ठंडक होगी, ऐसे ऐसे तो मुश्किल ही है, वैसे तो मुश्किल ही है। अंकल कहते हैं जी वैसे जी मुश्किल ही है, आता गाँव का आता मजा लगता है भाई, दस दिन बारिश हो तो कीचड़ का पता नहीं चलता पानी जाता कहाँ है। बिल्कुल ऐसे ही है अंकल साहब, कराची में रहें गटरों के पानी जाता था, बारिश का पानी कम होता है। मॉल में जो मजा है वो कहते हैं कहीं भी मजा नहीं है, क्या इसकी खासियत क्या है, लिफ्ट आ गई हमारी, हम लिफ्ट में हम इंटर होंगे, सेकंड फ्लोर में जाना है। चलो जी अंकल कह रहे हैं सेकंड फ्लोर में जाएंगे, देखो जी 2 बजे बस 2 बजे खुल गया और 2 बज गई है बस, मॉल खुल गया है। अंकल आप हमने तो सेकंड में जाना है ना, फूड कोर्ट पे सेकंड में जा रहा हूं। अच्छा मैंने कहा आपने फर्स्ट किया था, जी हम फाइनली सेकंड फ्लोर पे पहुंचे हैं। आज फाइनली सेकंड फ्लोर पे पहुंच गए हैं, आज डिसाइड हुआ था हमारा फूड कोर्ट पे कुछ खाएंगे पिएंगे, क्या मतलब पता तो क्या हुआ अंकल, पता भी तो चला चाहिए ना आज डिसाइड क्या हुआ था। आज जुम्मे से पहले हमारा डिसाइड हुआ था कि फूड कोर्ट पे हम खाना खाएंगे, डिनर करेंगे आज यहीं पे आके, डिनर या फिर लंच, लंच हो रहा है ना अंकल हमारा, लंच होगा। देखिए फूड कोर्ट पे आ गए हम, आवाम इतनी है कि आपको क्या बता सकते हैं, ये हार्डिस पे आएंगे ना, ये हार्डिस पे, हाँ डील चल रही है अंकल, ये सामने वाली दो बर्गर ले लेते हैं, हार्डिस पे ये वाले दो बर्गर ले लेते हैं, डाइनिंग है यहीं पे है ना अंकल, इधर ही बैठ, अरे इधर ही बैठ जी। तो हाँ बिल्कुल हमने ऑर्डर दे दिया है, डिनर का ऑर्डर, लंच का ऑर्डर दे दिया है, डील मंगवाई है हमने बर्गर सिंगर बर्गर की, यहाँ पे वेट हो रहा है जी अंकल, जी वेट हो रहा है अंकल, जी वेट हो रहा है यहाँ पे वेट हो रहा है जी, 10 से 5 मिनट लगेंगे वो डिनर को, जो डील है वो तैयार हो जाएगी खाते हैं। हाँ तो माहिर साहब देख लेंगे यूट्यूब पर, हाँ तो वीडियो जैसे जाएगी देखना फिर देख लेंगे। हाँ हेलो है कर लो भाई, कैसे आ जाओ यार, आ जाओ तुम्हें खिला पिला दे, किसी चीज़ की जरूरत हो बता दो मेरे को, आए सही बात बोलो क्या चीज़ जरूरत है, किसी भी चीज़ की कोई किसान कोई ज़रूरत है तो बताएं, शर्माना नहीं है घबराना नहीं जी, तो हाँ जी घबराना नहीं, मेहर साहब की मेहर साहब से ये मैसेज है कि अंकल साहब करवा रहे हैं कि किसी भी चीज़ की अगर आपको ज़रूरत है, एनी वन कुछ चीज़ की ज़रूरत है हमें कॉल दें, कॉल करें आपको तो हम क्लियर कर देंगे, कोई भी किसी को चीज़ है वॉइस करें व्हाट्सएप पर या कॉल करें, हम वो चीज़ आपको डिलीवर कर देंगे।
अंकल जी और कोई मैसेज करना हो तो आपके उमैर साहब से पूछें मेरा कैसे गुजरी है वक्त वगैरह कैसा गुजरा। यहाँ आ जाओ ना अंकल जी। अच्छा और कोई और कोई मैसेज देना चाहो तो दे सकते हैं आप वीडियो पूछेंगे। मॉल के अंदर आके मज़ा आ गया। मॉल के अंदर आके मज़ा आ गया आपको जी? वो कहते हैं कि मॉल में आके अंदर आ गया, कैसे मज़ा आया जी? ए सी ऑन है इधर, कूल हुआ हुआ है माहौल, तो इस वजह से बाहर से अच्छा कि यहाँ पे फुल मतलब के हो गया, समझ रहे हैं ना आप? तो इसलिए इनको सुकून भी आ रहा है यहाँ पे, तो जिस वजह से हम वेट कर रहे हैं। वेट करने के बाद फिर आपको मिलते हैं इसी वीडियो में। फाइनली मैंने लंच कर लिया है यहाँ से, सब कुछ खा लिया है, अब फ्री हूँ शॉप से, मतलब कि टाइम हो गया, शॉप पे भी जाना है, शॉप भी खोलनी है, और उसके बाद फिर मैं मिल दूँगा इंशाल्लाह। इस वीडियो को लास्ट करता हूँ इधर तक ही, तो फिर मिलूँगा इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा। तो नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें, हमें इंतज़ार नहीं, तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मिलेंगे। हमारे यूट्यूब चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर कर लें। फिर इंशाल्लाह कल मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।